Dr. Peter, Professor Jacqueline, Professor Helen, and Basit Nagi Saab. Ladies and gentlemen, सबको सलाम अलैकुम. टाइम की पाबंदी उन्होंने इसलिए कहा, टाइम की पाबंदी बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से ज़िंदगी में, क्योंकि मैं देखता हूँ कि स्पेशली जब आप मिनिस्टर बन जाते हैं या MNA MPA बन जाते हैं या कुछ भी बन जाते हैं, तो टाइम की पाबंदी आप करते नहीं हैं इस मुल्क के अंदर. एंड आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आप टाइम पे नहीं आ रहे तो यू नॉट गिविंग द ड्यू रिस्पेक्ट टू द अदर पार्टी, क्योंकि अगर आप उनका टाइम ज़ाया कर रहे हैं तो आप उनको उतनी इज्जत नहीं दे रहे जितनी आपको देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अगर आपका टाइम पे बुलाया. सिंगल नेशनल करिकुलम पे बड़ी ज़बरदस्त बातें यहाँ पे हुई, और स्पेशली मेरे से पहले वाले स्पीकर ने तो बिल्कुल ही हद ही कर छोड़ी कि मेरे ख्याल से पढ़ा ही नहीं उन्होंने लगता है इसको. सो ये एक चीज़ इसलिए की गई ताकि बराबरी ला सकी जाए. एक स्पेशल किधर जो भी बात मैं करूंगा ना, बड़ी रियलिस्टिक करूंगा और मैटर ऑफ फैक्ट करूंगा मैं आपके साथ. एक स्पेशल माफिया है जो पीछे लगा हुआ है कि सिंगल नेशनल करिकुलम सक्सेसफुल ना हो. स्पेशल माफिया, क्योंकि उनकी किताबें बिक रही हैं, करोड़ों अरबों रुपए वो बना रहे हैं. वो क्यों आने देंगे कि एक किताब हो सबकी? वो क्यों चाहते हैं कि बेहतर हो, नीचे वाला जो है वो दबा रहे, ऊपर वाला ऊपर जाता रहे? कोई फर्क नहीं दोनों, ये तो फर्क रहना बहुत जरूरी है उस माफिया के लिए. नीचे वाला बंदा नहीं ऊपर आने देना कभी. गरीब का बच्चा ऊपर ना आए, ना वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े, वो जाए भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर. गवर्नमेंट स्कूल को बिल्कुल तबाह करके रखा हुआ था. जो बात मैं आज करूंगा आपसे, 10 साल पहले ये चीजें हो सकती थी, कम से कम मिनिमम 10 ईयर्स, मिनिमम आई एम सेइंग 20 साल पहले भी हो सकती थी जो बात भी मैं आज करूंगा, मगर कोई नहीं करना चाहता था, क्योंकि हर एक को इतना बेनिफिट मिल रहा था एजुकेशन से कि उन्होंने कहा जो टूटा हुआ सिस्टम है इसको टूटे को रहने दो. अब सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, पहले सिंगल नेशनल करंट पे खत्म कर लूं फिर मैं आपको. 40 से ज्यादा मेंबर इस कमेटी में बैठे, हर तरह का इंसान वहां पे, उल्मा वहां पे थे, सिविल सोसाइटी वहां पे थी, एजुकेशनिस्ट वहां पे थे. पूरा उन्होंने 1 साल 1.5 साल इस पे काम किया. प्राइवेट स्कूल वहां पे थे, 40 से ज्यादा मेंबर्स थे जिन्होंने मिलके सब कुछ बनाया. हम इन टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल को भी और अपनों को भी, फ्री ऑफ चार्ज, क्योंकि इंशाल्लाह ताला इंप्लीमेंट होना है 1 अगस्त को. और किस तरह ट्रेन कर रहे हैं? ऑनलाइन फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन पाकिस्तान हिस्ट्री 4 लाख टीचर ऑनलाइन ट्रेन होने जा रहे हैं. 4 लाख माइक्रोसॉफ्ट के साथ हमने प्रोग्राम्स लिए उनसे 0 कॉस्ट पे, क्योंकि फिर कहते हैं ना जी वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ पता नहीं कौन सी डील की होगी. 0 पैसे, 0. एंड 400,000 विल टीचर्स विल ट्रेन ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम इंक्लूडिंग प्राइवेट टीचर्स. उन्होंने, मैंने पहली दफा, क्योंकि मुझे यहां पता है टीचर्स की बड़ी बात हुई कि टीचर्स नहीं ठीक, चीजें ठीक मैं मानता हूं बिल्कुल नहीं ठीक. पहली दफा मैं लेकर आया हूं 50% ट्रेनर्स प्राइवेट सेक्टर से. पहली दफा सारे डरते थे जी प्राइवेट सेक्टर को ना लेकर आए प्राइवेट. जब तक कॉम्पिटिशन आपस में नहीं आएगा तब तक चीजें बेहतर नहीं होंगी. सो प्राइवेट सेक्टर से जब मैं ट्रेनर्स लाया, यू वुड नॉट बिलीव के प्राइवेट सेक्टर के ये टॉप स्कूल के ट्रेनर्स थे. मैं शुरफात की बात कर रहा हूं, मैं ग्रामर की बात कर रहा हूं. उन्होंने कहा जी कि इतनी जबरदस्त किताबें हैं, इनकी सिर्फ थोड़ी सी प्रेजेंटेशन को और थोड़ा इस तरह चेंज कर दें, इस तरह चेंज कर दें. उन्होंने कहा जी हमने इससे इनसे बेहतर किताबें नहीं देखी. ये मैं प्राइवेट स्कूल ट्रेनर्स की बात कर रहा हूं, जो कि पहले से मेरे से पहले जो लोग बात कर रहे थे उन्होंने कहा प्राइवेट स्कूल के. उन्होंने कहा जी इसमें स्किल्स हैं, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग है, इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है, जो कभी भी पहले पब्लिक स्कूल के बच्चे को नहीं मिली. पब्लिक स्कूल के बच्चे को वो टूटी हुई किताब दी, पुरानी किताब जिसको कभी बेहतर नहीं किया गया. एंड इट वॉज ऑलवेज कह जी इसको तो बिल्कुल वहीं रखो ना जहां इसको रखना है, पब्लिक स्कूल को. तो 10 साल पिछले पब्लिक स्कूल्स को सप्रेस किया गया, प्राइवेट सेक्टर को किधर से किधर ले गए. किस लिए? कोई ना कोई तो फायदा होगा ना, कोई ना कोई तो कहीं फायदा, मॉनेटरी फायदा कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है. नहीं तो क्यों, मैं क्यों नहीं दबा रहा पब्लिक सेक्टर को, मैं क्यों नहीं प्राइवेट को प्रमोट कर रहा.
पीटीआई क्यों नहीं कर रही, हम क्यों पब्लिक सेक्टर को ऊपर लेके जा रहे, कोई फायदा नहीं। हमें तो नजर आता कि हम प्राइवेट सेक्टर कितना ऊपर क्यों ले जाए, कोई ना कोई मॉनेटरी फायदा हो रहा था पिछले 10 साल, स्पेशली पिछले 10 साल। मैं आपको यह बताऊं कि बड़ी इंटरेस्टिंग पिछले हमारे मिनिस्टर ने बात की, राणा मशहूद ने खड़े होके असेंबली में बजट की अभी तकरीरें जब हो रही थी ना, तो ही स्टैंड्स अप एंड सेज के जी हम तो जब एजुकेशन आए तो हमने मैकिन्जी से बात की, हमने इनसे बात की, सारे फॉरेन जितने डोनर्स थे ना सबकी बातें कर, हमने उनसे एडवाइस ली। मुझे जिस दिन मिनिस्ट्री मिली थी ना, मैं आपको ये बताऊं, मैंने अपने लोगों को बुलाया, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा सिस्टम है, उनको क्या पता कि हमारा सिस्टम कैसे चल रहा है, फॉरेनर्स को उनसे क्या पूछ रहे हैं आप उनके हवाले सब कुछ किया हुआ था, उनकी पॉलिसीज को सबसे पहले अप्रूव करते थे, उनकी पॉलिसीज को सबसे पहले हाँ जी बताएं किस तरह करना, क्यों भाई अपना दिमाग किधर है। इतने जबरदस्त लोग हमारे मुल्क में जो कि हमें बता रहे हैं कि हमारी एजुकेशन को किस तरह ठीक करना है, नहीं मैकिन्जी, नहीं जी ये यूनिसेफ, नहीं जी कोई डिफेक्ट, कोई ये कोई वो, पता नहीं कहां कहां से लोग पकड़े गए थे। फिर एक वो आदमी उठा के ले आया, क्या था, माइकल बार्बर, उसकी बातें सुन सुन के उसने चलाया हुआ था सारा आपका एजुकेशन पंजाब का सिस्टम, सारा एजुकेशन का सिस्टम वो चला रहा था। शहबाज शरीफ किसी की बात ही नहीं सुनता था सिवाय माइकल बार्बर की। आप उसकी पॉलिसीज देख लें, बंदा जाके सर दरबार में मार कि ये क्या कर रहे हैं हमारे मुल्क के साथ। दो तीन चीजों पे और बात करूंगा, ज्यादा नहीं, और बात बिल्कुल वो होगी जो आज से 10 साल पहले ये चीजें हो सकती थी। डिजिटाइजेशन की तरफ हम कभी गए नहीं, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ही नहीं की। आप ये सोचें कि अभी वो तकरीर में बता रहे थे कि कायदे आजम ने कहा कि बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाओ। आज से 2018 में जब मैंने ज्वाइन किया ना डिपार्टमेंट, बड़ी मजा बात बदल, मैंने कहा मैंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल करनी है, उन्होंने कहा उसके लिए तो कोई चीज जगह नहीं है यहां पे, आप तो जाएं उधर पीआईटीबी जाएं, पाकिस्तान का ये सेकंड लार्जेस्ट डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान का, पंजाब का नहीं, पाकिस्तान का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट आर्मी के बाद। आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं कर सकते थे 2018 में, ये टेक्नोलॉजी का हाल था 2018 में, आप नहीं कर सकते। आज जाके देखें हमने जितनी टेक्नोलॉजी में चीजें की, मैं आपको भी 2 मिनट में बता दूंगा। सबसे पहले तो जब मैं मिनिस्टर बना ना, तो मुझे ये लगा कि मैं तो पहले ट्रांसफर मिनिस्टर हूं, लाइनें लगी हुई दफ्तर के बाहर और ट्रांसफर के लिए जाए मेरी सब ट्रांसफर ट्रांसफर 50,000 रुपया रिश्वत शुरू होती थी हर ट्रांसफर पे, 1.5 लाख तक जाती थी, और साल की ये 50 से 70 हजार ट्रांसफर हो रही है 4 लाख टीचर में से। सो 3 से 4 अरब रुपए की अच्छी करप्शन हो रही थी, 3 से 4 अरब रुपए की एवरी ईयर। एक हमने ऐप बनाई, 0 पैसे हमें लगे। आज हर टीचर 4 लाख टीचर जो है अपने फोन पे अप्लाई कर सकता है, अपने फोन पे उसके QR कोड का नोटिफिकेशन आ जा सकता है, एक क्राइटेरिया बना दिया, मेरिट बना दिया, ऑटोमेटिक हो रहा सब कुछ, जरूरत नहीं है। 3 से 4 अरब की करप्शन हमने खत्म कर दी एक ऐप के साथ। टीचर्स क्यों हमारे ठीक नहीं है, क्योंकि टीचरों को फंसाया हुआ है। किस चीज में फंसाया हुआ, ट्रांसफरों में, प्रमोशन में, ACR में, छुट्टियों में, उसको ऐसे फंसाया हुआ है कि उसने कहा मैं बाकी सब चीजें मैं अपनी देखूं, पढ़ाई छोड़ो, पर क्या करनी है बच्चों को, उसको इतना चीजों में फंसाया हुआ था। हमने क्या किया अभी पिछले 2 महीने के अंदर, ACR ऑनलाइन, प्रमोशन अब हम उनकी ऑनलाइन 2 महीने में करने जा रहे हैं, उनकी लीव्स ऑनलाइन, हम सब चीजें टीचर की जिंदगी आसान करने के लिए कर रहे हैं ताकि वो सब झंझट में से निकले, और जिस काम के लिए हमने उसको हायर किया ही और शी शुड डू दैट, दे शुड फोकस ऑन व्हाट दे हैव बीन हायर्ड फॉर। वो सारा दिन भाग रहे हैं पूरे पंजाब में, को मेरी प्रमोशन किधर हो रही है, मेरी ट्रांसफर किधर हो रही है, मेरी छुट्टी नहीं मिल रही, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। ये सब कुछ पहले भी तो हो सकता था जो हम कर रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ ट्रांसपेरेंसी आती है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है जो गबन हो रहे हैं वो सारे पकड़े जाने, जो पैसे बन रहे हैं, जो सब कुछ हो रहा है वो बंद। क्योंकि जब अब ACR में क्या, बड़ी सिंपल चीज आपको बताता हूं, अगर इन साहब ने ACR नहीं साइन की ना,
तो मुझे जाके पैसे नहीं ऑनलाइन देने पड़ेंगे यार, अब मेरी ऑनलाइन है, 7 दिन के बाद वो इन बेगम साहब के साथ मूव कर जाएगी ऑटोमेटिकली और इनकी कंप्लेंट चली जाएगी सिस्टम के अंदर कि इस बंदे ने साइन नहीं किया जी। सो आपको इंतजार, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो 7 दिन के बाद आगे मूव हो जाना ऑटोमेटिकली। ऐसी चीजें हमारे से पीछे पहले जो लोग थे और उनसे पहले जो थे, कोई भी ये कर सकता था। डिजिटल, फिर एक और बड़ी जबरदस्त चीज हम अभी अगस्त 1 को करने जा रहे हैं, या ज्यादा दूर नहीं है ये चीज। दुनिया में जितनी बिल्डिंग्स हैं एजुकेशन की, सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल होती, हम 2 बजे उनको बंद कर देते हैं, नहीं जी बस खत्म। अंडर इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम हम 7,000 से ज्यादा पहले फेज के अंदर प्राइमरी स्कूल्स को एलिमेंट्री दोपहर को बनाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 5वीं के बाद आप ये नंबर सुनेंगे, आप दिमाग बंदे का खराब हो जाता है जब ये नंबर आप सुनते हैं। 70% बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं क्योंकि छड़ी करीब नहीं है। 70%। हमने कहा उसी को अगर आप शाम को दोपहर को बना दें छठी सातवीं आठवीं, तो आप सोचेंगे कितनी रिटेंशन वापस आ जाएगी। कम से कम 2 मिलियन बच्चे हम रिटेन कर सकेंगे इसकी वजह से। फर्स्ट को हम ये करने जा रहे हैं। अब इसमें पैसे कितने लग रहे हैं? अगर हम पिछली हुकूमतों के प्लान पे चलते ना, स्कूल बनाओ, कंस्ट्रक्शन में जाओ, ये वो सब चीजें, 5 साल लगने थे मिनिमम, और 295 अरब रुपया लगना था। यही चीज हम 27 अरब में और 60 दिन में करने जा रहे हैं। सिर्फ माइंडसेट फॉरेनर्स में बैठे हुए हैं, पैसे बनाने का सोच रहे हैं, पब्लिक सेक्टर को बिल्कुल तबाह किया हुआ है। बड़े छोटे छोटे स्टेप्स हैं, कोई भी कर सकता था। देयर इज नो मैजिक इन हियर, देयर इज नथिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। ये जो स्टेप्स हम ले रहे हैं ना, 18 इनिशिएटिव्स हम ले चुके हैं। टाइम नहीं, नहीं तो मैं आपको 18 गिनवाता। 18 इनिशिएटिव्स इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, और 18 के 18 ऑन ग्राउंड है। ये नहीं कि किताबों में डाला, हाँ जी हम बड़ा अच्छा काम करें, नहीं, 18 ऑफ देम आर ऑन ग्राउंड। सिर्फ कोविड की वजह से हम कुछ रुक गए जिनको स्केल नहीं कर सकते थे। अब आप देखें जैसी कोविड की सिचुएशन जितनी जबरदस्त मेरे ख्याल से इस गवर्नमेंट ने संभाली है, फॉरेन आर्टिकल्स आ रहे हैं, क्योंकि फॉरेन गवर्नमेंट्स भी लिख रही हैं एंड फॉरेन ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज राइटिंग ऑन देम, तो उसकी वजह से आप देखेंगे आते ही जैसे ही सिचुएशन बेहतर हुई है, 7,500 स्कूल हम अपग्रेड करने जा रहे हैं विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन। 295 अरब और 27 अरब फर्क देख लें। 295 अरब अगर मैं वही करता जो पिछली हुकूमतें कर रही थी, सिर्फ थोड़ा स्विच किया, 27 अरब में आप वही काम कर सकते। क्योंकि माइंडसेट नहीं ना पैसे बनाने का या नुकसान का, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमारा मुल्क है, देर ऑल आवर्स। हमने नहीं किया सोचा तो हमने ना ख्याल रखा, कौन रखेगा? हु विल डू दिस? पिछलों का तो हमने देख लिया, आपके सामने हुआ सब कुछ, मेरे सामने हुआ सब कुछ। ट्रांसजेंडर के लिए जो स्कूल खोला हमने, कोई भी कर सकता था 10 साल पहले, क्या 20 साल पहले कोई कर सकता था? क्यों नहीं किया? बिकॉज नोबडी इज इंटरेस्टेड। जो लोग यहां पे पावर में आए ना इस मुल्क के अंदर, वो इस मुल्क के खैर ख्वाह नहीं थे कभी, वो अपने आप सोच रहे थे, उनको अपनी फिक्र थी कि हमारी जेब में क्या जा रहा है, हमारे पास क्या है, हमें क्या मिल रहा है इसमें से। नहीं तो ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, मैं आपको 18 चीजें गिनवाऊं ना, वो 18 चीजें आज से 10 से 15 साल पहले हो सकती थी, पूरी 18 की 18 चीजें। बट नहीं, नॉट बट हियर, बट यू नो, सो बट नहीं, सो दैट्स व्हाई। नहीं, ये बाकी में शी इज वन ऑफ द मोर केपेबल एमपीएस जो पीएमएलएन में है, सो इसलिए और ऐसे लोगों को बिल्कुल पार्लियामेंट इनको होना चाहिए, पार्लियामेंट में होना चाहिए बिल्कुल। आई मीन आई थिंक पीपल लाइक हर शुड बी इन द पार्लियामेंट, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की जगह होनी चाहिए और उनको लाना चाहिए, इस तरह प्रमोट करना चाहिए। सो एट द एंड ऑफ द डे, आखिरी बात सिर्फ करो, आखिरी, इतनी चीजें की है ना हमने, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को पता लगे। 5वीं का एग्जाम था, अभी यहां पर बात की उन्होंने स्क्रीन पर बड़ी ला के कि जी वो एक किताब के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बड़ा कुछ हो रहा है, पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं। एनीवेज,
पांचवी का एग्जाम होता है पैक का, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन करती है, ठीक है जी, पांचवी और आठवीं का। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पांचवी का एग्जाम पास क्यों कर रहे थे बच्चे? टीचर चीटिंग करवा रहे, ठीक है जी, यहां से मुझे वाजे बिल्कुल ठीक है, ठीक है, है? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों में चीटिंग करवा रहे ना, ताकि उनकी भी बिल्कुल। हमने क्या किया, ये क्योंकि वो एग्जाम होता था जिसमें टीचर्स भी ग्रेड होते थे, जी आपका रिजल्ट कैसा आया, सब कुछ कैसा आया, तो टीचर्स कह रहे जो मेरा जब मेरे ऊपर आ गया तो फिर तो चीटिंग कराओ, जबरदस्त मेरा रिजल्ट आया जी। हमने पांचवी का एग्जाम ही खत्म कर दिया जो पैक का था। हम क्या लेकर आए, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या है, अपने इम्तिहान को बेहतर करो, अपने इम्तिहान को ऐसे बेहतर करो कि बच्चे को जरूरत ना पड़े या टीचर को आप फोर्स ना करें कि वो चीटिंग कराए बच्चों को। एक 10 साल का बच्चा जिसको टीचर उसका कह रहा है चीटिंग करनी ठीक है, तो इमेजिन हम क्या जनरेशन बनाने जा रहे हैं। इमेजिन 10 साल का बच्चा कह रहा है चीटिंग ठीक है क्योंकि मेरा टीचर कह रहा है, तो मैं तो अभी से 10 साल की उम्र से उनको दो नंबर बना रहे हैं। दैट द चिल्ड्रन थिंक चीटिंग इज ओके। अब हम एड्स का भी खत्म करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला इस साल। सो मैं बता रहा हूं कि ये ऐसे स्टेप्स हैं जिस तरह वासिफ नागी साहब ने कहा, जो भी आप एजुकेशन में करेंगे ना, दिस विल टेक टाइम टू शो रिजल्ट्स। जो बच्चा आज इस साल पढ़ेगा सिंगल नेशनल करिकुलम को, आज से 10 साल के बाद आपको पता लगेगा कि उस बच्चे का वाकई में एक्चुअल क्या उसने फायदा, क्या उसमें से उसने सीखा, क्या निकला। सो बाकी ये है कि होपफुली वी कैन डू एज मच एज वी कैन, क्योंकि हमारे बच्चे हैं और हमारे टीचर्स हैं और हम सब की जगह इन्होंने खड़े होना है, बैठे होना है। आज हम हैं, कल ये लोग होंगे। सो इनको हम जितना भी प्रिपेयर करें और जितनी भी इनकी हम इनको बेहतरीन से बेहतरीन बनाएं, कम होगा। सो इसलिए थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग अस, इन्वाइटिंग मी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।